हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। दिस इज श्रुति। इस वीडियो में मैं आपको अपनी कुछ ओल्ड ड्राइंग्स दिखाऊंगी जो मैंने 2019 जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब बनाना स्टार्ट किया था लॉकडाउन में। तो लेट्स सी। यस गाइस, मैं कुछ अपनी ड्राइंग्स को मैं इस तरह से रखती हूँ इस डिस्प्ले बुक में। देख सकते हैं आप। तो मैं वन बाय वन सारी आपको स्केचेस दिखाती हूँ अपनी। ये है एक, ये ब्यूटीफुल गर्ल, इसकी स्केच मैंने बनाई थी सिंपल गूगल से फ़ोटो सर्च करके ही मैं ड्रॉ करती हूँ। ये मेरी पहली स्केच थी, पेंसिल कलर से ही बनाई थी मैंने। ये वो वाला पेपर है जिस पे हम प्रिंट निकलवाते हैं, फ़ोटो कॉपी करवाते हैं, तो बस इसी पे ट्राई किया था मैंने। फर्स्ट स्केच है ये मेरी, इसको मैंने बनाना स्टार्ट किया था लॉकडाउन के समय। सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं मेरे को स्केच, तो देख लो आप कुछ इस तरह से है ये क्यूट सी गर्ल। फिर एक ये भी मैंने, ये तो इंस्टा से देख के मैंने बनाई थी। फिर एक ये थी, ये सारी मैंने सिंपल पेंसिल से बना रखी है, चीप जो भी अप्सरा की आती है, 5 रुपए वाली, 2 रुपए वाली शीट या जो वेस्ट वो प्रिंट पेजेस निकलते थे उसी पे बना रखे मैंने सारी। ये तो मेरे को सबसे अच्छी लगती है अपनी ड्राइंग में, जो मेरी स्टार्टिंग की ड्राइंग से सबसे प्यारी लगती है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत डिटेलिंग वर्क कर रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और एक ये आती है, फिर आप ये सारी फ़ोटोज़ मेरी इंस्टा आईडी पे भी चेकआउट कर सकते हैं, मैंने सारी फ़ोटोज़ अपलोड कर रखी है। ये स्केच है एक, ये सारी स्केच को तो मैंने फाड़ दिया था जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये लाइंस मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया था क्योंकि मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी फिर, बट मैंने इसको कंटिन्यू किया फिर बाद में डिसाइड करके। ये फुल ग्रेफाइट है, सारी ग्रेफाइट स्केचेज ही है मेरी स्टार्टिंग में। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो अब तो मैं चारकोल का भी यूज़ करती हूँ, पर पहले मैं सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज़ करती थी, कोई भी एक्सपेंसिव पेंसिल नहीं होती थी, सिर्फ 5 रुपीज़ वाली पेंसिल का ही मैं यूज़ करती थी अपनी स्केचेस में। एक ये है, एक पेन वाला स्केच में मैंने ड्रॉ किया है ये हॉर्स का, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। ये सारी स्केचेस की आपको पोस्ट मिल जाएगी मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, और आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये वाली हैरी पॉटर की स्केच, तो ये ख़राब हो गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये निशान आ गया, तो फिर मैंने इसको स्किप कर दिया। फिर मैंने इसी शीट पर वेस्ट नहीं की शीट को, इस पर मैंने ये ड्राइंग बना ली अपनी घुंघरू वाले पायल जो कथक डांसर के होते हैं, तो आप देख सकते हैं बड़ा ही रियलिस्टिक बना रखा है मैंने सिंपल ग्रेफाइट पेंसिल का ही है ये यूज़। ये मेरी सिस्टर और उसकी फ्रेंड की स्केच है जो मैंने ट्राई की थी। ये है जॉनी लीवर, आप सब जानते होंगे, कॉमेडियन, बेस्ट कॉमेडियन सर है ये, बहुत अच्छी इनकी एक्टिंग लगती है मुझे तो आप देख सकते हैं। अगर आपके भी फेवरेट है जॉनी लीवर सर तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपको ये ड्राइंग कैसी लग रही है आप ये भी बताना मेरे को कमेंट में। कि मेरे
ये एक मैंने ड्रेस ड्रॉ किया है ब्लैक पेपर पे वाइट पेंसिल से। ये है इट पेनी वाइज, तो कुछ इस तरह से ये सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है मुझे, आप देख सकते हैं। फिर ये अब्दुल कलाम जी सर का स्केच, ये मैंने ड्रॉ किया था न्यूज़पेपर में से देखकर, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है ये। फिर मैंने ये ड्रॉ किया था ड्रेस, फिर ये है डायमंड का स्केच, ये है शेरशाह मल्होत्रा जी का, तो ये वो स्केच है आप देख सकते हैं। फिर ये एक रियलिस्टिक आई मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की थी। फिर ये कृष्ण भगवान जी की ड्राइंग, ये बुरखा गर्ल, इसकी आईज मुझे बहुत प्यारी लगती है। इसमें भी मैंने कंप्लीट अप्सरा की पेंसिल का ही यूज़ किया है, कोई भी एक्सपेंसिव पेंसिल तो मैं यूज़ ही नहीं करती थी पहले, तो आप देख सकते हैं सिंपल शीट पे, सिंपल शीट है जो मुड़ सकती है उसी शीट पे मैं ड्रॉ कर रहा है सब कुछ। इसकी भी फ़ोटो आपको मेरी इंस्टा आईडी पे मिल जाएगी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं मेरे से, मैं आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगी। इस रियलिस्टिक हेयर्स की वीडियो तो आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है ये। ये मेरी मदर की स्केच है जो मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की थी, हल्की फुल्की ड्रॉ हो पाई, अब मैं कोशिश करूँगी कि इसको अच्छी तरह से ड्रॉ कर पाऊँ, तो आने वाली वीडियो में शायद मैं इसकी वीडियो भी डालूँ, तो ज़रूर देखना। और आपको कैसी लगी मेरी ये सारी ओल्ड स्केचेस ये कमेंट सेक्शन में बताना। स्टार्टिंग में तो सारी स्केचेस ऐसी ही होती है हर आर्टिस्ट की, तो आप देख सकते हैं कुछ मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया हल्के फुल्के से बनाना, धीरे धीरे कुछ इस पे आई मैं, फिर मैंने ऐसी स्केचेस भी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे कम नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना आपको सारी स्केचेस मेरी कैसी लगी, और अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख भी सकते हैं, और शेयर करना, और इंस्टा आईडी मेरी फॉलो कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आपको सारी फ़ोटोज़ मिल जाएगी मेरी सारी स्केचेस की ओल्ड। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।